पॉलन किट शॉर्ट आउट में पूछा जाता है पॉलन किट। तो जिन पौधों में कीटों द्वारा परागण होता है उनके परागकणों की बाह्य चोल के ऊपर चिपचिपे पदार्थ की परत पाई जाती है जिसे पॉलन किट कहा जाता है। तो परागकण आपने गुड़हल के पौधे में हाथ में पकड़ा होगा तो आपने देखा होगा उसके जो परागकण होते हैं वो बहुत चिपचिपे होते हैं, उनमें जो चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, इस चिपचिपे पदार्थ को हम पॉलन किट कहते हैं। तो इस चिपचिपे पदार्थ के कारण परागकण आसानी से कीटों के पैरों, पंखों आदि में चिपक जाता है और इस प्रकार एक फूल से दूसरे फूल में पहुंचता है। तो परागकण में जो चिपचिपा पदार्थ है उसे हम पॉलन किट कहते हैं। ये कीटों के पैरों, पंखों आदि से चिपक कर एक फूल से दूसरे फूल में जाता है। पॉलन किट का निर्माण जिन रसायनों के कारण होता है उनका श्रावण टैपिटम की कोशिकाएं करती हैं। तो टैपिटम जो है जिस तरह से स्पोरोपोलिन का निर्माण करता था उसी तरह से टैपिटम पॉलन किट का श्रावण भी करता है। पॉलन पराग कणों की रक्षा पराबैंगनी किरणों से करते हैं। तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है ये पराग कणों की रक्षा सूरज की धूप में जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे भी पॉलन किट पराग कणों की रक्षा करता है। यानी कि अगर तेज़ धूप है तो परागकण नष्ट हो सकते हैं, तो परागकणों की रक्षा जो है पॉलन किट करता है। तो आमतौर पे जो हमारे जो है इस तरह के सौंदर्य संसाधन हैं जैसे जिन्हें हम कॉस्मेटिक कहते हैं, कॉस्मेटिक क्रीम्स, तो इसमें से हम लोग ज़्यादातर जब धूप में जाते हैं तो जो है एक सनस्क्रीन लोशन अपने चेहरे पे, हाथ पैर में लगा देते हैं ताकि सूरज की पराबैंगनी किरणों से हमारा रंग काला न पड़े। इसके लिए हम जो कुछ क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम सनस्क्रीन लोशन कहते हैं, तो इसमें भी पॉलन किट का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट नोट के लिए इसको तैयार कर लें।